तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सहदेव। क्या आपके प्रिंटर में प्रिंट करते वक्त प्रिंट में लाइन आ जाती है, दाग आ जाती है, प्रिंट क्वालिटी अच्छा नहीं आती है? तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड, नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है प्रिंटर के ऑप्शंस, वहाँ पे चले जाइए। चलिए ले जाते हैं। इसमें दिखाएगा प्रिंटर सेटिंग्स, ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड, ये टूल बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। अगर ये टूल बॉक्स साइड में आपको प्रिंटर के ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो फ्रेंड दूसरा तरीका भी मेरे पास है। यहाँ पर आपका नहीं मिलेगा तो आपके स्टार्ट मेनू में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिवाइस नज़र आएगा, डिवाइस में जाइए। उसके बाद प्रिंटर एंड स्कैनर, उसके बाद अपने प्रिंटर के मॉडल नंबर दिखाएगा। उसके बाद मैनेज में चले जाइए। मैनेज में जाने के बाद आपको मिलेगा प्रिंटिंग परफॉर्मेंस। प्रिंटिंग परफॉर्मेंस में ओपन करते ही आपको सामने से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जितना काम है इसी डायलॉग बॉक्स में काम होगा। तो फ्रेंड, मेंटेन में चले जाइए। ऊपर जो दिखाएगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो है रहने दीजिए। मेंटेन्स में चले जाइए। उसके बाद आपको नज़र आएगा नॉजिल चेक, हेड चेक। तो फ्रेंड, मैं पहला तरीका देखिए, उसमें हेड चेक में क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ लोडिंग होगा, कुछ प्रोसेसिंग और टाइम लग जाएगा। स्टार्ट में क्लिक कर देते हैं। चलिए, कुछ प्रोसेसिंग और वीडियो को हम रोक रोक कर दिखा रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए, ये जो प्रोसेसिंग होना है कुछ टाइम लग जाएगा, होने दीजिए। प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगेगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, लोडिंग हो रहा है। वीडियो को हम रोक के दिखा रहे हैं फ्रेंड, इसीलिए तो जल्दी जल्दी दिखा रहा है। आप उसमें फिनिश कर दीजिए। फिनिश करते ही बात आपका सामने प्रिंट ऑटोमेटिकली एक निकल आएगा पेज। कैंसिल कर दीजिए, प्रिंट करना टेस्ट करना है। तो ये जो कंप्लीट होने के बाद इसी तरह का आपको दिखाएगा, ये आपको निकाल लीजिए। आपको आपको प्रिंटर में कम्प्लीट जो प्रिंट प्रिंट है और जो कॉपी निकालेगा वो फ्रेश लिया जाएगा। स्टार्ट कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इंक फ्लैश कर लेते हैं फ्रेंड। इंक फ्लैश करने के बाद जितना ही प्रिंट में प्रॉब्लम आएगा, इंक फ्लैशिंग में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इंक में प्रिंट करते हैं तो लाइन आ जाती है, कॉपी निकालते हैं तो लाइन आ जाती है, तो इंक फ्लैशिंग करने से वो पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो चलिए, इंक फ्लैशिंग को हम क्लिक करके स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भी कुछ टाइम लग जाएगा, तो होने दीजिए। होने के बाद आप प्रिंट करके टेस्ट कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूँ फ्रेंड, ये प्रॉब्लम आपको प्रिंटर में सॉल्व हो जाएगा। एप्सन का कोई भी मॉडल, हर मॉडल में इसी तरह सेटिंग्स है। इतना कुछ करने के बाद आपको प्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इंक फ्लैशिंग कर लेते हैं हम। चलिए, इंक फ्लैशिंग होने दीजिए। स्टार्ट हो गया इंक फ्लैशिंग। तो प्रिंट वीडियो को हम रोक के दिखा रहे हैं, इसीलिए इतना फर्स्ट इंक फ्लैशिंग हो रहा है। आपको प्रिंटर में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको कंप्लीट होने दीजिए। होने के बाद फिनिश नज़र आएगा। फिनिश फिनिश में आप क्लिक करके फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो